मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक क्लास का आई थिंक सीआर भी है, ठीक है? आप प्लीज सीआर आप जरा अपना माइक ऑन रखिएगा ताकि मुझे कम्युनिकेट करते रहें कि मेरी बातें हवा में नहीं जा रही, ठीक है? हु इज द सीआर, प्लीज कम्युनिकेट टू मी। जी मैम हेलो, सैफली। आप प्लीज अपना माइक ओपन ताकि मुझे पता चले कि समझ आ रही है, कोई पॉइंट मिसिंग तो नहीं। हेलो, जी मैम आई एम स्पीकिंग। हेलो चलेगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हिस्ट्री मैम, ऑफ वॉइस यूएस से मेरा डिस्टॉर्शन हो रही है। इंटरेस्ट है, इसमें मैंने थोड़ा सा ये इसको फन एलिमेंट देने के लिए बनाया। आई नो इट्स टीजिंग टू योर ब्रेन, ब्रेन को हर्ट होता है और हिस्ट्री बार बार रिपीट इसलिए हो रही है कि बिकॉज नोबडी लिसंस टू इट। सो आई होप दैट यू मे नॉट हैव टू रिपीट इट अगेन बिकॉज यू आर गोइंग टू लिसन इट वेरी केयरफुली। सो हियर वी गो। सबसे पहले ये हमारे पास मैप है जिसकी उस दिन मैं बात कर रही थी। इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी हुई है कि उस पर मेंशन कर दिया है कि यूरोप किधर है, एशिया किधर है, अफ्रीका किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। एक तरफ ईस्ट है तो दूसरी तरफ वेस्ट है, और ये पूरा नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसको सारे को कहा जा रहा है कि ये न्यू फाउंड लैंड है, ये न्यू वर्ल्ड है, ठीक है? और जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, इसकी अमेरिका की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ द अमेरिका, ठीक है? ये हमारा एक था। पहले सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कवरी और सेटलमेंट की बात की कि बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, और उसमें से एक मिस्ट्री ये भी कही जाती है कि कुछ लोगों ने शायद ये अलास्का और रशिया इन दोनों के दरमियान कोई लैंड ब्रिज होगा, वहां से उन्होंने रशिया से क्रॉस करके अलास्का की तरफ लोग आए होंगे, ठीक है? और उनकी रीजन क्या होगी? किसी की मैंने आपको पिक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश किया है कि मे बी उसकी रीजन फूड हो, मे बी उसकी रीजन उनको घूमने फिरने वैसे आवारा गर्दी करने की आदत हो, शायद उनकी कोई रिलीजियस रीजन हो, या फिर वो उनका दिल कर रहा हो कोई नई जगह ढूंढ लें, मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब फिर क्वेश्चन आ रहा था कि उन्होंने डिस्कवरी कैसे की? उन्होंने दरमियान में तो ओशन आ रहा है, वो ओशन उन्होंने क्रॉस कैसे किया? सो सम से दे क्रॉस थ्रू सी, सी से तो आए हैं लेकिन कैसे? उस वक्त शिप्स तो नहीं थे, तो शायद वो स्विमिंग करके आए हो, तो आई पुट द कैप्चर। अब ये कब पिक्चर, ये कब हुआ, कैसे हुआ? उन्हें टाइम लिमिट अगर एस्टिमेशन लगाते हैं तो कोई कहते हैं ये 50,000 ईयर्स अगो पहले हुआ, दूसरा एस्टिमेशन है ये 2,000 ईयर्स अगो पहले हुआ, ठीक है? फिर अब एक ये क्वेश्चन जाता है कैसे वो माइग्रेट किए, वन लॉन्ग माइग्रेशन थी, स्मॉल ग्रुप्स में थे या फैमिलीज की शक्ल में, ठीक है? मुख्तलिफ इसकी ऑप्शन है। फिर क्या उन्होंने सेटल किया, जहां जहां उनको जगह मिली फिर वहां पर डाइवर्सिटी आनी शुरू होगी, ठीक है? डाइवर्सिटी डेवलप हुई, 300 लैंग्वेजेस है, क्लैंस है, ट्राइब्स है, क्लैंस और क्लैंस ने मिलकर ट्राइब्स बनाए, और क्लैंस जो थे उनको गवर्न करते थे काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ठीक है? और उनका एक चीफ क्लैन भी होता था, ठीक है जी? और उनके ऊपर इनका एक चीफ भी होता था, फाइन, ठीक है? और फिर ये उनकी एक हायरार्की मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि देख लें कि क्लैंस हैं डिफरेंट, और उनके ऊपर मेजर चीफ है, और मेजर चीफ के ऊपर एक प्रिंसिपल चीफ भी है, ये उनकी हायरार्की है, ठीक है? फिर उसके बाद है कि उनके मेजर वो क्या जो ज्यादातर मामलात थे उन क्लैंस के, वो अपने खुद ही देखते थे, या उनकी जो कोई एक फैमिली होगी या कोई रूलिंग अथॉरिटी होगी एक क्लैन की, वो ही सारे डील कर रही होती थी। और उनकी इकोनॉमी क्या थी? उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर थी, हंटिंग थी, गैदरिंग थी, और उनके पास कोई स्किल्स नहीं थे मेटलर्जी के, और बस वो अपने एक प्रिमिटिव टूल्स बना सकते थे, ठीक है? इसके अलावा उनको राइटिंग नहीं आती थी, वो ये देख लें वो साइन सिग्नल्स यूज करते थे, ठीक है? स्मोक सिग्नल्स उसमें आते थे, और वो पिक्टोग्राफ पिक्चर्स बना के एक दूसरे को भी बताया करते थे। इसके अलावा जो साउदर्न ट्राइब्स थे, ठीक है जी, वो जो थे वो जरा ज्यादा उनकी निस्बत एडवांस थे, वो गुड इन राइटिंग थे, मैथमेटिक्स भी उनका अच्छा था, उनका आर्किटेक्चर भी अच्छा था, ठीक है? उनके आर्किटेक्चर के लिए मैंने देखे आप उनकी एक पिक्चर लगाई हुई है, ये उनके इरा की एक पिक्चर है जिसमें कहा जाता है ये टेम्पल उन्होंने ही बिल्ड किया, तो उससे पता चलता है कि दे आर एडवांस इन देयर आर्किटेक्चर। उनके पास रिटन कमांड्स भी थी, देख लें जी, ये और लिख भी सकते थे उनके स्टोन अपने टेम्पल, और इसके अलावा उनका जो टेम्पल था उधर से कुछ कमांडमेंट्स अगर आ रही हैं तो वो रिटन फॉर्म में आती थी।
फिर इसके अलावा कुछ और स्टोरीज हैं कि जी वाइकिंग्स आए, वाइकिंग ने आइसलैंड से ग्रीनलैंड की तरफ अगर मूव करने की कोशिश की है तो उधर आ गए, और इसकी वजह से वो उधर आके सेटल्ड हो गए न्यू इंग्लैंड में. न्यू इंग्लैंड में आप लोगों को ये पता होना चाहिए उसमें कौन सी स्टेट्स आती हैं, ठीक है, और लेकिन उन्होंने कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं बनाई. फिर मैंने अब क्रूसेड्स वॉर का जिक्र किया था कि एक तरफ तो ये हमने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के हालात डिस्कस किए थे, फिर दूसरी तरफ हमने बात की थी कि क्रूसेड वॉर्स चल रही थी. क्रूसेड्स वॉर्स क्या है कि क्रूसेड वॉर क्या है कि जो इंग्लिश और यानी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के दरमियान हुई है कि वो चाहते थे कि जो मुस्लिम ने हमारी लैंड पे कब्जा किया वो वापस मिल जाए, ठीक है. इसके लिए वो जो यूरोपियंस थे वो गए ईस्ट की तरफ गए और वहां पे जाके जंग लड़ी, और उन्होंने न्यू टेस्ट और न्यू फूड और सिल्क स्टोरीज के साथ वापस आए, और इसका जिक्र उन्होंने मार्को पोलो ने भी अपनी कहानियों में किया है, ठीक है, 13th century की. और फिर जो था किंग्स, फिर वहां पे जो किंग था उसने सोचना शुरू किया कि अच्छा वहां पे तो ये कुछ है तो हमारी कंट्री में भी ये सारा कुछ होना चाहिए, हमारे लैंड में भी सारा कुछ होना चाहिए. पहले उनकी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया कि जिसमें कोई ट्रेड नहीं होती, ठीक है, उनकी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, वहां पे अर्बन डेवलपमेंट नहीं थी. फिर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, वहां पे बिल्डिंग्स बनाना शुरू की, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी उन्होंने बेहतरीन करनी शुरू की, उन्होंने प्रिंटिंग ऑफ बुक्स की, वहां पे यूनिवर्सिटी बनी, फिर उनके नेविगेशनल टूल्स डेवलप हुए, ठीक है जी. और कैथोलिक चर्च जो था वो मोनार्क्स ने रिप्लेस कर दिया, नोबलमैन ने, और मार्टिन लूथर एक प्रोफेसर गुजरा है यूनिवर्सिटी विटनबर्ग इन जर्मनी का, उसने एक 95 थीसिस डिस्प्ले किया था कैथोलिक चर्च की वॉल पर, उसने कहा था कि कोई क्लर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है, आपके गवर्नमेंट के मामलात में. फिर इसके अलावा उन दिनों में जो कैपिटलिज्म जो ट्रेड का कॉन्सेप्ट, कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म और नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए. फिर इसके अलावा नेविगेटर्स ने मूव करना शुरू किया, प्रिंस ऑफ हेनरी जिसको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, उसने इक्वेटर को क्रॉस कर लिया और फिर वो पूरे लेंथ ऑफ अफ्रीका पे घूमा, फिर वास्को डी गामा आ गया, वो केप ऑफ गुड होप, ये देखने जी मैंने इसको मैंशन किया, ये यहाँ अफ्रीका में ही है, केप ऑफ गुड होप, उधर से मूव करता करता ये रशिया की तरफ आया, यहाँ पर ट्रेड के लिए आया, और वहां सॉरी एशिया की तरफ आया, वहां पर ट्रेड करने के लिए, और वहां से वैल्यूएबल्स के साथ ये वापस चला गया, ठीक है. फिर अगला आ गया क्रिस्टोफर कोलंबस. क्रिस्टोफर कोलंबस आपको पता है कि उसने भी कहा था कि जी मैं एशिया की तरफ जाता और वहां से बड़ा कुछ लेकर आता, उसने अपने ट्रिप्स लेकर गया, लेकिन वो वहां पे जाने की बजाय वो ये यहाँ पे ये जो बहामास में आइलैंड है यहाँ से क्रॉस करते क्यूबा और हेस्पे उधर पहुंच गया था. ठीक है, क्यूबा और ये ने हिस्पैनियोला और इस जगह पे पहुंच गया जिसको बाद में लेटर क्यूबा कहा जाता है, ठीक है जी. इन जगहों पे वो पहुंचा था, वो एशिया नहीं पहुंचा था, लेकिन वो इसी तरह भी बाद में मर गया उसको किसी बिलीफ के साथ कि जी मैं तो मुझे रिचेस और गोल्ड मिल चुके हैं और मैं एशिया ही गया, ठीक है. फिर एक बड़ी ट्रीटी और साइन होती है पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान जिसको ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसेलस कहा जाता है. इस ट्रीटी में बताया गया है कि कितने हिस्से पे पुर्तगाल का हक होगा, कितने हिस्से पे स्पेन का हक होगा, ठीक है. ये मैप में क्लियरली डिवीजन शो की गई है कि कहाँ कहाँ किस तरह से होगा, ठीक है जी. फिर आगे आ गए एक और साहब जिनका नाम है अमेरिको वेस्पुची. उन्होंने क्या किया, वो साउदर्न कोस्ट की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू किया, ठीक है, वो और जिसको न्यू वर्ल्ड की साउदर्न कोस्ट यानी उसके नॉर्थ ऊपर की तरफ है साउदर्न साउथ अमेरिका की तरफ उन्होंने ट्रेवल किया, ठीक है. फिर एक जर्मन मैप मेकर जिसका नाम मार्टिन था उसने उनको एक ऑनर देने के लिए इस सारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर का नाम क्या रख दिया था, अमेरिका, ठीक है, उनके नाम से. ये जी इस तरह से अमेरिका का नाम अमेरिका बन गया. अब आगे स्पेनिश एक्सप्लोरर्स, वो रफ एंड टफ थे, वो किसी की बड़े जंगजू किस्म के किसी की जिंदगी बख्शने वालों में से नहीं थे, ठीक है. उनका कहा था कि उनका मकसद है कि क्रिश्चियनिटी को हर जगह पे फैलाया जाए जहाँ पे बिल्कुल भी कोई इसका नाम लेने वाला नहीं है.
ठीक है, इसमें हरनान कोर्टिस का नाम है, ठीक है, जो कि वो एस्टेक एम्परर के पास जाता है मॉन्टेजुमा के पास, और वो उससे किस तरह से उसके साथ उसकी डीलिंग होती है, उसे वहां से गोल्ड लेने की कोशिश करता है, बाद में उसको ही हरेस करता है, उसको किस तरह से उनके साथ उसको किडनैप कर लेता है, और बाद में फिर उसके ट्राइब वाले उस अपने चीफ को छुड़वाने के लिए ही बहुत ज्यादा सोना वगैरह देते हैं कि भाई हमारा चीफ तो वापस कर दो, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉर्टेस की आर्मी थी, जो मॉन्टेजुमा के ट्राइब के साथ जब उसकी जंग हुई, तो वो बेचारे वो वैसे भी मर गए क्योंकि उनको इन्फेक्शन डिजीज थी जिसमें स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स और टाइफस थे, और जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो बेचारे वैसे इस तरह से भी मर गए। फिर फ्रांसिस पुजारियो, ये पीरू जो अब है साउथ अमेरिका का, उधर उसने उधर वहां पर ट्रेवल किया, और उसको स्पेन के किंग के साथ उसकी डीलिंग कुछ इस किस्म की थी कि भाई अगर तुम्हें मैं इधर जाने के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ, तो तुम जितनी भी वेल्थ लोगे मुझे उसका 1/5 दे दोगे। और वहां पर उसने इनका सिविलाइजेशन के बहुत से लोगों को मारा, ठीक है। और फिर इसके अलावा फिर क्या हुआ कि स्पेन में बहुत ज्यादा रिचेज आ गए, वेल्थ आ गई, तो वहां पे प्रोडक्शन पहले नहीं थी और इन्फ्लेशन एनहेंस कर गई, ठीक है। अब ये देखते हैं, फिर एक सरकार आए जिनका नाम था पेड्रो मेंडिज, उन्होंने एक नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट पे एक सेटलमेंट बनाई थी जिसका नाम सेंट अगस्टाइन रखा, और वो फ्लोरिडा के बाद में फ्लोरिडा बना, और ये उनकी फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट थी, ठीक है। इसके अलावा वो कैरेबियन सी और सेंट्रल और साउथ अमेरिका की तरह मूव कर गए। ये कैरेबियन, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये दरमियान में जी कैरेबियन सी है, ठीक है। अब क्या है कि वॉइस रेज, एक सेकेंड, वाइसरेज आ गए थे। वाइसरेज जो है वो टू रिप्रेजेंट द मोनार्क एडमिनिस्टर दीज कॉलोनीज, उन्होंने कोशिश की कि वो एडमिनिस्टर करें इन कॉलोनीज को, ठीक है। एब्सोल्यूट अथॉरिटी किंग थी, और फिर वो जो थे वो काउंसिल ऑफ इंडीज को वो, एक सेकेंड सॉरी मेरा सारा फ्लो टूट गया। अच्छा, वॉइसेज जो थे वो मोनार्क्स थे जो वहां पे पीछे जो स्पेन के अंदर थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो जो वहां पे कॉलोनीज बना रहे थे अमेरिका के अंदर उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। एब्सोल्यूट अथॉरिटी किंग के पास थी, और इस वहां पे काउंसिल ऑफ इंडीज बनाई जाती थी जो कि गवर्न करती थी वहां के मामला जो कि नॉर्थ अमेरिका में होते थे, ठीक है जी। और इसके अलावा जो स्पेनिश सोसाइटी थी अमेरिका के अंदर, वो यहाँ से मेरे ख्याल से हम लोगों ने छोड़ा था, मेरे प्लीज मुझे इधर से जरा गाइड करें कि हम लोगों ने पिछला लेक्चर यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है, ताकि मैं जरा जल्दी जल्दी ना बोलूं। एनीबॉडी प्लीज। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, जी, ये काउंसिल ऑफ इंडीज को कौन लीड कर रहा था? ये जो वाइसराय होते थे यही हेड होते थे इन चीजों की, और नहीं जी, एब्सोल्यूट वॉइस रॉयस अथॉरिटी नहीं, होती थी जो किसके पास? स्पेन के अंदर जो थे वो मोनार्क्स थे, जो किंग और क्वींस थे, उनकी एक जो थी काउंसिल ऑफ इंडीज थी, वो बनाते थे वाइसरेज, वो सेंड करते थे अपने इधर जो इनकी सेटलमेंट्स थी, जो अपनी कॉलोनीज थी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी किन के पास आ गई? किंग के पास, और उनकी आगे काउंसिल ऑफ इंडीज, वो आगे किसको भेज रहे हैं? वाइसरेज को, मैम ठीक है रिपीट जी। कर दें, समझ नहीं आई। मोनार्क्स जो हैं वो स्पेन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, फाइन। वो आपके किंग और क्वीन हो गए जो भी हैं उनके, और उनके आगे काउंसिल, जिस तरह हमारी एक कैबिनेट समझ, ठीक है, कैबिनेट होगी या उनकी काउंसिल ऑफ इंडीज होगी, उनके आगे रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, जो के सेटलमेंट्स में जाते थे, वहां पे वो लॉज लेके जाते थे या खुद बनाते थे जो के उनको दिए होते थे उनके किंग्स और क्वींस, और उसके मुताबिक वहां के लोगों को गवर्न करते थे, ठीक है। सैफ जी मैम, आपको
आगे समझ, मेरे ख्याल से हमने इधर तक पढ़ा था पिछली लेक्चर में, काइंड इधर तक पढ़ा था। चले अब मैं इसके आगे हम शुरू करते हैं। मैंने पिछला लेक्चर सारा तकरीबन रिवाइज कर दिया क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, तो आई होप कि अब थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। चले जी, एक बैकग्राउंड हमारा बन चुका है, आगे हम करते हैं। आगे जी, स्पेनिश सोसाइटी जो है अमेरिका के अंदर, वो उसमें सेवरल रैंक्स थे। जो सबसे हाईएस्ट रैंक था वो स्पेनिश थे, स्पेनिश लोग थे जो वहां से स्पेन से आए हुए थे, उनको कहा जाता था पेनिनसुलारेस, ठीक है। और दूसरे नंबर थे तो स्पेनिश पेरेंट्स ही थे, लेकिन वो उनके पैदा किधर हुए थे, वो अमेरिका में थे, उनको क्रियोलोज कहा जाता था। और ये ठीक है, इनके भी पेरेंट्स ये स्पेनिश ही थे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे कुछ स्पेनिश ने इंडियंस के साथ शादी कर ली, और वो जो क्लास बनी वो थी मेस्टिजोस, ठीक है। ये क्लास एक बनी, और ये एक तीसरी जो क्लास थी वो लेबर क्लास थी, लोअरिंग क्लास थी, ठीक है। और ये वो क्लास थी जो कि स्पेनिश लोग थे और उन्होंने अडॉप्ट, सॉरी इंडियन लोग थे, उन्होंने अडॉप्ट किया था स्पेनिश कल्चर, ठीक है। फिर आ जाते हैं सबसे यूरोपियन भी थे और अफ्रीकन, इन्होंने एक ये क्लास भी थी, ये भी लोअर क्लास थी कि कुछ यूरोपियंस ने अफ्रीकन के साथ शादी कर ली थी। और सबसे आखिर में एक क्लास आ रही थी, वो थे ब्लैक स्लेव्स, ठीक है, जो अफ्रीका से लाए गए थे इन जगहों पे, ताकि वो जगहों पे मेहनत मजदूरी करें और इस लैंड को कल्टीवेट करें, यहाँ से सोना लगा लें, यहाँ से माइनिंग करें, ताकि उनके फायदे के लिए हो, ठीक है जी, कि उनके फील्ड्स और माइंस में काम करने के लिए आए थे। आगे है स्पेनिश एक्सपे जो थी, अभी भी स्पेन के जो थे वो अपने एक्सपेडिशन खत्म नहीं थे हुए, वो फिर भी अपने जो थे वो ज्यादा से ज्यादा इस जगह को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। और वो इसके अलावा ना सिर्फ इस जगह को बल्कि पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। उन्होंने पैसिफिक ओशन के अंदर बड़ी एक्सपेडिशन की, फिर उन्होंने पूरे ग्लोब का भी चक्कर लगाया, ठीक है। और इसके अलावा इनके मुख्तलिफ ये नाम उन्होंने दिए हुए हैं, अगर आपको नाम याद रह जाए वेल एंड गुड, लेकिन इन पर इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे आके तकरीबन हमारी इंडियन सेटलमेंट खत्म हो चुके हैं, यानी वो आपका एक बैकग्राउंड डेवलप हो गया है कि जिसमें आपको नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में आइडिया हो गया कि वो क्या है, आपको पता चल गया कि इंडिया इंडियंस वहां पे कौन से हैं, कौन सी सिविलाइजेशन है, वो किस किस्म की हैं, इसके अलावा वहां पे कौन कौन सी नेशंस आगे बात हो रही है। अभी आपको ज्यादा जो पता चल रहा है वो उसमें स्पेन का ही आइडिया है, ठीक है जी। इतना मेरे साथ सारे ऑल ऑल ऑफ यू आर एट द सेम पेज। अब मैं इसके बाद दूसरा अपना शुरू करूंगी, प्लीज मुझे जरा कोई एक बता दे, जी मैम, सब एक मेरे साथ हैं कि सबको इतनी समझ आ गई है ना। अब मैं आपके साथ अपना दूसरा लेक्चर, यहाँ से हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा। आज आपकी थोड़ी सी क्लास लंबी होगी क्योंकि आज मेरी ही क्लास है, ये ठीक है लंबी मैम। होगी, ठीक है जी। आई होप कि मैं आपको बोर नहीं कर रही, अगर कोई बोर हो तो मुझे बता दे, हम वहां पर क्लास रोक के थोड़ी सारी आउट ऑफ द वे जाके थोड़ी बात करेंगे, और उसके बाद हम फिर रिज्यूम करेंगे, ठीक है जी। मैम आई विल सजेस्ट कि आपने जैसे लास्ट टाइम वो स्टोरी टेलिंग की तरह, मतलब स्टोरी की तरह बताया था, तो आप लेक्चर 2 में भी वैसे ही बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसको समझने के बाद स्लाइड पढ़ना थोड़ा इजी था और समझ में भी आ रही थी। कोशिश अग्री तो मैं आज भी ऐसी ही करूंगी, चैट मैं खोल ही लूंगी। काइंडली मैम, काइंडली शेयर दिस नोट। जनाब मैंने आपकी वो उस पे कर दिए हुए हैं, आप उसे चेक करें, क्या उसको कहते हैं, अपनी ये फोरम जिसपे व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ जी उधर चेक करें, मैंने शेयर कर दिए हुए नोट्स उमर, ठीक है। चलिए जी, अब हम यू शुरू करते हैं अपना US हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। अब आपने इसमें देखना है कि मुख्तलिफ नेशंस आगे इधर आबाद हो रही है, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या हरकतें करनी है, अब आप इधर से देखिएगा कि शुरू से ही लोगों की, ताकतवर लोगों की साइकोलॉजी ये रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों पे कब्जा कर लें, और जो बेचारा दब सकता है उसको दबाते चले जाए। ये उस जमानों की बातें हैं जब इतनी एडवांसमेंट भी नहीं थी, जब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और मसाइल बड़े ज्यादा थे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे
अब कैसे कैसे वो आके कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं, अपनी सेटलमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है चले जी देखते हैं। ओके अब स्पेन जो है, सबसे पहले अब अगर किसी का थोड़ा बहुत हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो देखा होगा कि स्पेन और इंग्लैंड ये दो बहुत बड़ी शुरू में ताकतें थी और ये आपस में बड़ा लड़ती थी। ठीक है जी, तो स्पेन जो है वो अपनी वेल्थ और कॉलोनीज के मामले में वो उधर बहुत ज्यादा आगे था। अब फ्रांस ने देखा कि यार ये एक नेशन बनती चली जा रही है तो मैं क्यों नहीं। अब फ्रांस भी बीच में आ गया। ठीक है, फ्रांस के जो किंग था उसने जैक्विस को, कार्टियर को कहा कि तुम वेस्टवर्ड इन द नॉर्थ में, वेस्टवर्ड नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू करो और इंडीज इंडीज चले जाओ। ठीक है, एक्चुअली ये इंडीज भी उस जगह को कह रहे हैं, इनको लगता था ये इंडिया है, या लेकिन ये साउथ एशियन रीजन, ये एशिया का कोई पार्ट इंडिया है, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट इंडीज। ठीक है जी, कहते थे तुम उधर चले जाओ, वहां पे जाके कोई वेल्थ लेकर हो, कुछ हो, सारों की बस यही कोशिश है कि किसी तरह से वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को ग्रैस्प कर ले जी। अब वो उधर जाने के लिए सरकार निकल गए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो किधर पहुंच गए, उस जगह पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन वो अपैलाचिन माउंटेन्स और मिसिसिपी रिवर, आप मैप में देख सकते हैं इस जगह पे, इस जगह के ये जो मिसिसिपी रिवर है और ये अपैलाचिन माउंटेन्स है, यहाँ पे इस लैंड तक वो बंदा पहुंच गया था और वहां पे उसने अपनी एक सेटलमेंट बना ली थी। ठीक है, कलोनी बना ली थी जो बाद में, अच्छा ये अब मॉन्ट्रियल और क्यूबेक इनके अब के नाम है ये, और ये दोनों सिटीज आ रहे हैं कनाडा के अंदर। आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब आप ये मैप देखेंगे तो आपको पूरा ये नजर आएगा कि अपैलाचिन माउंटेन ये पूरा एरिया जा रहा है और मिसिसिपी रिवर ये जा रहा है, और इधर अभी कोई डिवीजन कनाडा और अमेरिका की नहीं है। मुझे पुराना वो मेल नहीं था रहा मैप कोई, तो फिर मुझे ये सबसे बेहतर लगा कि जिसमें थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, आपने इस चीज पे परेशान नहीं होना, ये आगे तक जा रही है माउंटेन्स। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी सिलसिले तो एक वो तो बाउंड्री फ्री है ना, अब ये हिमालय को कराकर मगर पाकिस्तान से शुरू हो रहे हैं तो वो इंडिया भी जा रहे हैं, वो ये नहीं कि पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म हुआ तो इनका सिलसिला खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आगे उन्होंने एक जो बनाया सेंट लॉरेंस एरिया बनाया और फाउंडेड सिटीज ऑफ मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक। ठीक है, फिर इसके अलावा एक आ जाता है ग्रेट लेक एरिया, वहां पे क्या था, वहां पे फर ट्रेड बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और ये ग्रेट लेक एरिया क्या है, किस टाइप का एरिया, इसके बारे में थोड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ कि लार्जेस्ट सरफेस एरिया है फ्रेश वाटर का। ठीक है, एक सेकेंड, ये मुझे ना एक मैसेज भी दरमियान में रिसीव हो रहा है, मैं वो भी देख, पता नहीं चला। चलो जी, ग्रेट एरिया जो है ये लार्जेस्ट सरफेस एरिया है ऑफ द वर्ल्ड जिसमें फ्रेश वाटर का, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी लेक्स आ जाती है, इसमें स्पीरियर, मिचिगन लेक और ह्यूरॉन और आयर और ओंटारियो, ये सारा इलाका मिला के ग्रेट लेक्स का बनाता है। ठीक है, और ये एक नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन यूएस और कैनेडा में। ठीक है, और ये इलाका जो था ग्रेट लेक का इलाका, ये जो मशहूर था बहुत ज्यादा फर ट्रेड के लिए। ठीक है जी, फर ट्रेड के लिए बहुत मशहूर था और इसमें सोर्सेज ऑफ वेल्थ भी बहुत ज्यादा थे। ठीक, और लेकिन इसके अलावा भी अब इधर इतनी ज्यादा फर ट्रेड भी है, सोर्स ऑफ वेल्थ भी है, लेकिन इसके बावजूद इसने बहुत ज्यादा वहां पे सेटलर, फ्रेंच सेटलर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सके। ठीक है, कुछ कॉलोनीज बनी लेकिन बहुत ज्यादा कॉलोनीज नहीं बनी। फ्रेंच कॉलोनी में सबसे पहले एक उन्होंने न्यू फ्रांस के नाम से कॉलोनी बनाई सेंट लॉरेंस रिवर के पास। ठीक है, अब उन्होंने जब उधर बनाई वहां पे इंडियंस की तादाद जो वहां के नेटिव लोग थे वो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा सा बैक से जाके रिपीट करती हूँ ताकि आपके माइंड में फिर एक सेटअप बन जाए। आगे चैट्स, एक मिनट में दो मैसेजेस पर, मैम नोट्स करने हैं लेक्चर, यानी मीन सब कुछ स्लाइड्स में मौजूद है ना। शारून खुशी जनाब, आपको लेक्चर्स में मैंने जस्ट सिर्फ मेंशन किया कि ये चीजें हैं, जब तक आपको मैंने जो बुक दी हुई है वो नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगी, ये मैं आपकी एक हेल्प कर रही हूँ, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू रीड दैट बुक, क्योंकि वो बुक जो है वो फॉरेन ऑथर की लिखी हुई है, समटाइम उनका लिखने का स्टाइल इस तरह का होता है कि
वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो मैंने ये आपको एक हेल्प कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही हूँ, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग बैक टू माय लेक्चर, बात हो रही थी कि स्पेन आ गया, अब फ्रांस ने आके करना शुरू की. फ्रांस वैसे इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक फ्रेंच कॉलोनी बनाई है, और वो किधर जाके वो जो है उन्होंने सेंट क्लारेंस रिवर के पास बनाई है, और वहां पे इंडियंस बहुत ज्यादा थे, ठीक है? और उन्होंने क्या किया, इंडियंस के साथ एक अलायंस बना लिया, ठीक? और ये एक नेचुरल अलायंस था, क्योंकि जितने भी फ्रेंच सेटलर वहां पे आ रहे थे, जो थोड़े बहुत, वो सिर्फ एक फर के लिए आ रहे थे, और फर के ओनर कौन थे, वो इंडियंस थे ऑटोमेटिक. और इंडियंस को क्या चाहिए था, इंडियंस की एक दूसरा कबीला जो था उसके साथ एक जंग लगी हुई थी, उन्होंने गिव एंड टेक पे गए, ठीक है? कहा कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे गन्स दे दो और मैं तुमको फर दे दूंगा. तो लिहाजा उन्होंने इस तरह का अलायंस बनाया और उनका अपने मुकाबला किया. आयरोक्वॉइस उस ट्राइब का नाम है, उस ट्राइब का मुकाबला किया, उसको डिफीट किया, और इसके बदले में फ्रांस वालों ने वो फर ले ली. फ्रांस की स्टोरी ज्यादा कोई लंबी नहीं है, ठीक है? उनका बस काम इतना ही है था, ठीक है? फिर इसके अलावा एक और आ जाता है, हेनरी हुडसन, ये भी फ्रेंच है. उसने वो भी आया इन इलाकों की तरफ, उसने एक हुडसन रिवर उसके नाम से मशहूर है, वहां तक वो आया, ठीक है? और डच वेस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो जो उन्होंने थोड़ी बहुत जो कॉलोनीज बनाई थी, वो डच वेस्ट इंडिया कंपनी उनको कंट्रोल करती थी, और इसके अलावा उन्होंने ज्यादा कॉलोनीज नहीं बनाई, ज्यादा सेटलमेंट्स नहीं बनाए, ठीक है? एवरीथिंग इज क्लियर, यहां तक क्लियर है? मैंने स्पेन की बात की है, मैंने फ्रेंच की बात की है, गॉट इट? जी जी मैम, क्लियर है. ओके, अच्छा जी, अब कहानी चल रही है आगे थोड़ी सारी, किस तरह से कि हम लोग अब देख रहे हैं कि अब स्पेन के अगर कुछ करने शुरू हो गए तो इंग्लिश ना कुछ करते, ऐसे कैसे हो सकता था? आखिर उन्होंने भी तो कोई अपना आप अपना दिखाना था कि भाई हम भी ताकत में हैं. वो एक राइवलरी होती है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की है, काइंड ऑफ लोग खुश रहते हैं आपस में, पॉलिटिक्स लड़ती है आपस, पॉलिटिशियंस लड़ते हैं, वो आ गए. उनमें सबसे पहले बात करते हैं एंग्लो सैक्सॉन्स की. एंग्लो सैक्सॉन्स ये वो है, ये एक्चुअली डॉयच पीपल हैं जो कि इंग्लैंड में जाके रहना उन्होंने शुरू कर दिया. और इसके अलावा ये जो थे, ये बड़े आइसलैंड पे जाके रहते होते थे, लैंड को सर्च करते होते थे. इनका काम था कि हम अपनी एक एम्पायर बना लें, कहीं पे जाके जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत हो, ठीक है? उसमें आ जाता है उनका एक किंग हेनरी सेवन, ठीक है? उसने इनको बड़ा सपोर्ट करता है, और 1497 में एक इटालियन जान कबूट ऑफर टू सर्च, और उनमें से एक जान कबूट साहब है जो कि इटालियन है, वो जाके किंग हेनरी से कहते हैं मुझे बताओ, मैं तो ना तुम्हारे लिए ना ओरिएंट ईस्ट को कहते हैं, यही एशिया की साइड, ये चाइना की साइड, कहते मैं तुम्हारे लिए ईस्ट का कोई एक रास्ता ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है? और जो कि वहां से फिर मैं तुम्हारे लिए रिचीज लेकर आऊंगा, वेल्थ लेकर आऊंगा, इसी तरह से उसने बात की. चले जी, अब उसने ओरिएंट की तरफ ढूंढने तो बेचारा निकला, लेकिन वो पहुंच किधर गया, न्यू फाउंड लैंड पे, ठीक है? और फिर उस न्यू फाउंड लैंड के साथ, उसकी कोस्ट के साथ चलते चलते वो साउथ अमेरिका तक पहुंच गया था, ठीक है? साउथ, जाहिर है नॉर्दर्न अमेरिका की कोस्ट के साथ चलते चलते नीचे की तरफ तो साउथ में ही आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप मैप को ज़हन में लाएं कि वो उसने ओशन क्रॉस किया, नॉर्थ अमेरिका पहुंचा, और उसकी कोस्ट के साथ साथ नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो वो साउथ अमेरिका की तरफ पहुंच जाएगा. ये उसने ओरियंट का रास्ता तलाश किया. अब उधर किंग हेनरी को रिप्लेस कर देती है क्वीन एलिजबेथ वन, ठीक है? अब वो क्वीन एलिजबेथ जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती कि मैं किसी किस्म की कोई करूँ, कॉलोनीज बनाऊं, या मैं जाके वहां पे कोई सेटलमेंट बनाऊं, वो इस किस्म में किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होती है. वो सिर्फ किस किस चीज में इंटरेस्टेड होती है, वो उसका मकसद क्या होता है कि मैं सिर्फ उसे डिफीट कर दूं स्पेन को,
उसका मकसद सिर्फ यही होता है, ठीक है। अब डिफीट करने के लिए लेट मी चेक, अब मैं जरा आपकी जरा मदद लेती हूँ। ये मैंने इधर जॉनी डेप जैक स्पैरो की फोटो लगाई है, व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, क्या वो क्या कर रही है? पायरेट्स। पायरेट्स उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसको गोल्ड ला के दे रहे हैं, और गोल्ड किसका है? स्पेन का। वो सिर्फ स्पेनिश का, स्पेनिश का। वो सिर्फ ये कॉन्स्पिरेसी खेल रही है, ठीक है, कि जो क्वीन एलिजाबेथ है उसका काम क्या है कि वो स्पेन को हर तरह से तंग करना चाह रही है, उसको डिफीट करना चाह रही है, और वो पायरेट्स के थ्रू उनका सोना लूट रही है। गॉट इट? जी मैम। ओके, नेक्स्ट। अब एक और इंग्लैंड का एक समझने नेविगेटर है, उसने भी पूरे ग्लोब का चक्कर लगा लिया। अब क्या होता है कि स्पेन कहता है कि यार ये तो इंग्लैंड जो है ये तो मेरा खजाना ही लूटे जा रहा है, क्या मैं करूं? मुझे तो कुछ करना चाहिए ना, कि ऐसा कि शायद इनसे जंग ही कर लेनी चाहिए। कहा जाता है कि उस टाइम पे उन्होंने अपने 130 शिप्स के साथ स्पेन और इंग्लैंड ने आपस में जंग की थी, ठीक है, और एक अच्छी खासी जंग हुई जिसमें फिर भी इंग्लैंड जीत गया था और स्पेन हार गया था। और जितना स्पेन ने सेटलमेंट्स बनाई थी, जितना एरिया कवर किया हुआ था, वो सारा का सारा किसने ले लिया? इंग्लैंड ने, ठीक है, उसने सारी की सारी टेरिटरी को कवर कर लिया था। अब एक और साहब थे जिनका नाम था सर वाल्टर रेले, ये वहां पे न्यूफाउंडलैंड में पहुंच चुके थे, ठीक है। अब उन्होंने एक रोएनो के एक जगह है, एक साहब आए, अच्छा जी, रोएनो के एक जगह है जिसको कैरोलिना कहा जाता है, वहां पे जाके अपनी एक सेटलमेंट किसी तरह से बना ली थी। अच्छा, ये सेटलमेंट जो है, आप ये याद रखें कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पिछली जो सेटलमेंट्स आ रही है, चाहे वो फ्रेंच की आ रही है, चाहे वो स्पेन की आ रही है, या पोर्टुगीज की आई है, आप देखें कि उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंट उनको इजाजत दे रही है कि भाई जाओ तुम जाके वहां पे खजाने तलाश करो, वहां से कोई लेकर आओ। ये जो सेटलमेंट है, ये गवर्नमेंट की सेटलमेंट नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे पहुंच गए। अब चूंकि पीछे जंग लग गई है, अब ये पायरेट्स जो थे, जाहिर है उनका इनके साथ लिंक होगा, वो उनको कुछ खाने पीने का या कोई सपोर्ट का कर रहे होंगे, तभी वहां पे किसी तरह थोड़ा बहुत रह ही रहे होंगे। लेकिन जंग लग जाने की वजह से इनको कोई ग्रांट नहीं मिलती, और वहां पे जितने लोग थे वो सारे के सारे मर जाते हैं। अब मरने की ये जो स्टोरी और जंग की स्टोरी के बाद, तब वहां पे इंग्लैंड में एक शुरू हो जाती है कहानी कि नहीं, हम लोगों को कुछ वहां पे सेटलमेंट्स बनाने चाहिए। स्पेन तो जाके इतना कुछ कर रहा था, इतनी उसने जगह टेरिटरी कवर की थी, तो अब हमें भी जाके बनाना चाहिए, ठीक है जी। तो चले जी, फिर वहां पे एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ने एक बनाई लंदन कंपनी, ठीक है, एक अपनी कंपनी बनाई जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। और उन्होंने जेम्स वन, जो उस वक्त का किंग था, उसने कहा कि आप लोग अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू करें पैसिफिक ओशन के साथ साथ, ठीक है, पैसिफिक ओशन के साथ उसके बिल्कुल जो कोस्ट लाइन है उधर अपनी कॉलोनीज बनाए, और जिस जगह पे वो जाके, फिर उसने शिप भेजा और वो शिप जिस जगह पे जाके रुका, उस जगह का नाम वर्जीनिया था। ये आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि पहली कंपनी कौन थी, कौन सी थी इंग्लैंड की? वो लंदन कंपनी थी। फिर उसके बाद वो किस जगह पे जाके रुके थे? वर्जीनिया पे रुके थे। उनके तीन शिप्स के नाम क्या थे? गुड स्पीड, डिस्कवरी एंड सुजान कांस्टेंट, ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप मुझे गौर से सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज रह ही जाएगी हो कि लंदन कंपनी उन्होंने बनाई थी, और वो किस जगह पे जाके रुके थे? वर्जीनिया पे। और उनके तीन शिप्स थे गुड स्पीड, डिस्कवरी एंड सुजान कांस्टेंट। और ये पहली, फिर वहां पे जाके उन्होंने अपनी एक सेटलमेंट बनाई थी, पहली सेटलमेंट जो बनाई थी उसका नाम क्या था? जेम्स टाउन, ठीक है। इंग्लैंड की पहली सेटलमेंट का नाम क्या है? जेम्स टाउन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ये 1607 बनाई थी, ठीक है। अब जी, कॉलोनिस्ट ने इन जगहों में बड़ा ढूंढने की कोशिश की, वो ये मारे मारे दिन रात करते रहे कि हमें गोल्ड मिल जाए, लेकिन गोल्ड नहीं मिला। वहां की
वेदर कंडीशंस बिल्कुल टफ थी और वो लोग भूखों मरने लगे। इस टाइम को कहा जाता है स्टार्विंग टाइम। मैं आपको ठीक है जी, इस टाइम को कहा जाता है स्टार्विंग टाइम। आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना? बिल्कुल कोई आवाज नहीं आ रही। जी सर, जी मैम सुन रहे हैं। अच्छा मैम, एक मूवी में इस चीज का दिखाया भी गया कि वो जब ये वक्त था ना तो एक दूसरे का गोश्त खाना शुरू कर दिया था लोगों ने। बिल्कुल जी ऐसे ही। हाँ जी ऐसे ही है। आप बाकी बुक पढ़ेंगे ना तो आपको मजीद डिटेल मिलेगी कि उसमें वो अपने घोड़ों का भी गोश्त खाते हैं। ठीक है, इंसानों ने इंसानों का गोश्त भी खाया था शायद। वो वर्ल्ड वॉर टू में हुआ था। नहीं मैम, वो न्यू वर्ल्ड एक मूवी थी, उसमें भी ना न्यू अमेरिका की हिस्ट्री दिखा था, उसमें भी एक था ऐसा सीन। अच्छा, इसमें वैसे जो था ना, मैंने भी देखा है, मतलब एक मूवी में देखा था। अच्छा, जो मैंने इस बुक में जो जिक्र है ना, उसमें इन्होंने अपने घोड़ों के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने अपने और वहाँ के जो वाइल्ड प्लांट्स हैं उन पर थोड़ा गुजारा किया था और ये घोड़े अपने खाए थे। लेकिन चले ठीक है, अगर उनका क्या, अगर वर्ल्ड वॉर टू में इतनी आगे आगे लोगों ने चीजें खा ली, ये इंसान खा लिए, तो ये तो फिर थोड़े से बैक में है, कोई इशू नहीं है, हम इनको खाने देते हैं। ठीक है जी, अब मैं क्या बात करती कि टफ वेदर कंडीशन थी, स्टार्विंग टाइम था, उन्होंने रूट्स खाए और इवन के अपने घोड़े भी खा गए थे। ठीक है, तो फिर अब बड़ी हालत खराब थी, तो इन हालात में जनाब एक मिलिट्री मैन आते हैं जिनका नाम था जॉन स्मिथ। ठीक है, उन्होंने आके इधर का कंट्रोल लिया इस सेटलमेंट का और वहां के जो पोहैटन ट्राइब है, यहाँ से स्टोरी बड़ी मजे की शुरू होती है। जरा इसको जरा मजे में सुने, एंजॉय करके, कि जॉन स्मिथ आ जाता है। अब देखे ट्विस्ट क्या जाता है, जॉन स्मिथ आता है और वो पोहैटन ट्राइब की उसकी हेल्प करता है। ठीक है, कि उनको कॉर्न्स पकड़ना, उनको कॉर्न्स उगाना सिखाते हैं, उनको फिशिंग सिखाते हैं, उनको फूड देते हैं कि भाई ये बेचारे गरीब मस्कीन लोग हैं, इधर मर मिट रहे हैं, तो चलो हम इनकी मदद करते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं ना कि क्या वो कॉल है, जिसके मदद जिसके पे मदद करो उसके शर से बचो, हजरत अली का क्या कॉल है। तो वो यही हाल होता है इनका भी, कि वो आखिर में जो किंग जस्मिन था, हाँ, जिससे भलाई करे उसके शर से भी बचो। तो वो जी ना, ये जो पोहैटन ट्राइब के लोग हैं वो जॉन स्मिथ के शर से बच नहीं सके। उन्होंने क्या किया, उसके साथ उसके रिलेशन स्ट्रेंड होने शुरू हो गए, क्योंकि वो चाहता था कि जितना गोल्ड है, जितना कुछ, वो लालच है ना कि मुझे वो मिल जाए, मुझे सारा कुछ मिल जाए। वो उन्होंने एक दूसरे को मारने मरने पर तरह। लेकिन फिर क्या होता है कि स्मिथ को किडनैप कर लेते हैं। अब स्मिथ कैसे किडनैप होता है, कि वहां पे एक हंटिंग पार्टीज है, मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं, हंटिंग पे निकले हुए हैं, जहर उन्होंने भी कुछ ना कुछ ढूंढना है वहां के ट्राइब ने। तो उन्होंने एक साहब है, इनका नाम मुझे पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा था, आप सारे अपने अपना नाम इसका रख सकते हैं, मैं सिर्फ इसको ओपेक कहूंगी। ठीक है जी, ओपेक ने इसको जो था किडनैप कर लिया। और ये ओपेक कौन था, ये हाफ ब्रदर ऑफ पोहैटन चीफ था। कोई मुझे बता सकता है हाफ ब्रदर क्या होता है? एनीवन? सोतेला भाई शायद, इज इट सो? ऐसा कैसे हाफ ब्रदर में ये होता है कि उन दोनों मुंह बोला भाई, नहीं मुंह बोला भाई नहीं, आप पहले जो बात की वो किसी, वो ठीक है कि उनमें एक पेरेंट कॉमन होता है, उन बच्चों का, दो भाइयों का या दो बहनों का, उनका एक पेरेंट कॉमन होता है, चाहे वो माँ हो या बाप हो, तो उसको हाफ ब्रदर था वो, उसका पोहैटन चीफ का। अच्छा जी, अब उसने उसको किडनैप कर लिया गया जॉन स्मिथ को और उसके पास ले आए। फिर क्या होता है, अब यहाँ से उसको जब पता चलता है कि यार ये तो स्पेनिश है और सॉरी ये तो बाहर का कोई बंदा है, ये यहाँ का है नहीं है, तो इसको अपनी कोई पुरानी दुखी दास्तान याद आ जाती है, वो उसका रिवेंज लेना चाहता है। क्या जी उसकी स्टोरी क्या है ओपेक साहब की, कि उसको बचपन में किडनैप कर लिया जाता है, उसको वहां पे स्पेन ले जाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको इधर से मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी है, मैंने कुछ लिखा नहीं, आई होप सो कि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए, कि उसमें क्या है कि उसको किडनैप कर लिया गया, उसको वहां पे स्पेन भेज दिया जाता है, वहां पे उसकी ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग का मकसद ये होता है
कि अच्छा कि ये हमारा काम करेगा आगे, हमारा हमारे किसी मकसद में ये यूज हो सकेगा। उसको जुबान सिखाई जाती है वहाँ की, उसको उस वहाँ का नाम एक दिया जाता है, डॉन लुइस उसको वहाँ का एक स्पेनिश नेम भी दिया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद जो ओपेक साहब है वो तसल्ली नहीं होती, वो खुश नहीं होता, वो मौका मिलता ही वहां से क्या कर जाता है, एस्केप कर जाता है। अच्छा उनका सॉरी एक चीज पॉइंट में मिस कर गई, वो उनका मकसद क्या होता है कि इसकी ट्रेनिंग का, कि वो इंटरप्रेटर के तौर पे काम कर सके स्पेन और इंडियन लोगों के दरमियान, ठीक है ये उसका होता है। अब वो वहां पे मौका मिलते ही भाग जाता है और वो चाहता है कि वो अपने वापस ट्राइब में आए, और ट्राइब में आके चूंकि वो अपने पोहाटन चीफ का एक हाफ ब्रदर होता है, इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि वो भी एक रॉयल है, रॉयल फैमिली से उसका ताल्लुक है, तो मेरा भी कोई स्टेटस होना चाहिए, मेरा भी कोई मुकाम होना चाहिए, सही है जी। तो इसके अलावा उनकी एक और दास्तान भी है कि वो जनाब एक मर्डरर किस्म के इंसान है, उन्होंने वहां पे आने वाले मिशनरीज का भी कत्ल किया हुआ है, और ये भी पॉसिबिलिटी थी कि वो मार देता जॉन स्मिथ को, लेकिन जॉन स्मिथ की हो जाती है बख्शिश, बचत हो जाती है। अब वो बचत कैसे होती है, पोहाटन चीफ डॉटर जो ट्राइब की ट्राइबल चीफ पोहाटन है उस सॉरी पोहाटन चीफ की जो बेटी है, ट्राइब पोहाटन की का जो चीफ है उसकी बेटी है पोका होंटा, अजीब से इनके नाम बड़े अजीब है, पोका होंटा वो आ जाती है, वो सेव करती है जॉन स्मिथ को। बड़ी एक फिल्मी स्टोरी बन गई है, ठीक है जी। यहाँ से आपको समझ तो आ गई होगी क्या रीजन है, कौन कितने लोग ये रीजन सोच रहे हैं, प्लीज हरी अप टाइप करें। मैम तस्वीर खुद बोल रही है, तस्वीर खुद बोल रही है, बस एक को ये लग रहा है, बाकी सारे किधर हैं? मैं भी सबको ये लग रहा है मैम, सबको यही लग रहा है, सबको यही लग रहा है। चलेगी अगर सबको ये लग रहा है तो आपको इसकी जरूरत है। हम हो सकता उसने भाई बनाया उसको, बस अब लेट हो गया, आपने पहले एक बोल दिया सबको यही लग रहा है, सबको यही लग रहा है तो सबको इस चीज की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ पोका होंटा सिर्फ 11 साल की थी। एक मिनट ये मैं दो मैसेजेस हैं दो स्टूडेंट से पढ़ लूं। अच्छा जी, वो जो पोका होंटा थी वो सिर्फ 11 साल की बच्ची थी, ऐसा कोई कहानी नहीं थी। उन्होंने एक्चुअली एक उस कबीले का कोई राइट होगा, कोई एक जिस तरह हमारी एक वीटो पावर है अब यूनाइटेड नेशन में, उसमें भी कोई एक रिचुअल होगा, कोई एक उनका तरीकाकार होगा, उसने उसको यूटिलाइज किया। उसने उनको कहीं बताया था कि अगर तुम चीफ ऑफ पोहाटन को अपनी डेथ का और लाइफ का सरबरा मान लोगे, उसका लॉर्ड मान लोगे और उसकी सॉवरेनिटी अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लोगे तो एज ए रिजल्ट तुमको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक है जी। ये उसने एक ट्रिक लगाई कि तुम लोग ये कर लो, ठीक है। उसने क्यों किया, क्योंकि उसकी के वहां के लोगों के साथ ज़हर सेटलमेंट्स आके हो गई, वहां के लोगों के साथ दोस्ती हो गई, तो इस तरह से उसने बात ये कर दी कि आप लोग ये कर रहे हैं, और उन लोगों ने उसकी बात मानी और उन्होंने उसको एडमिट भी किया, ठीक है। क्योंकि ओपेक के लोग जो थे उसको जॉन स्मिथ को और पकड़ के जब पोहाटन चीफ के पास ले गए तो उसकी पोहाटन चीफ को फिर उन्होंने एडमिट कर लिया कि ठीक है जी आप हमारे सॉवरन हैं, आप हमारे लॉर्ड हैं, आप हमारे प्रोटेक्टर हैं, तो उसने उसको उनको प्रोटेक्ट कर दिया, उसको और उसके जितने भी फॉलोअर्स थे सारों को, फिर इस तरह से उनकी बचत हो गई। अब इधर से क्या होता है, एक नया ट्विस्ट आता है, फिर बाद में वो लड़की जो है यहाँ पे वो कन्वर्ट होती है क्रिश्चियनिटी में, और फिर उसकी शादी हो जाती है जॉन रॉल्स से जो कि एक सेटलमेंट के अंदर ही बंदा होता है। अब यकीनन वो बड़ी हो गई होगी, 11 साल की नहीं रही होगी, और फिर वो इंग्लैंड चली जाती है, वहां पे उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है और वो मर जाती है। इधर उसकी कहानी खत्म और उसकी डेथ होती है 22 साल की उम्र में। चलें जी, अब यहाँ पे ये एक कहानी खत्म होगी। अब जो
लैंड थी जहां पे इन्होंने इंग्लिश आके सेटल हुए, वहां पे इनको खजाना तो नहीं मिला, उल्टा ट्राइब्स के साथ भी अनबन होनी शुरू होगी, मसाइल बन गए। अब कुछ तो करना था, उनके लंदन कंपनी ने इनको उधर भेजा हुआ तो था, जाहिर है जो कंपनीज इनको सपोर्ट कर रही थी वो इसीलिए सपोर्ट कर रही थी ना कि भाई वहां से तुम कुछ करो, हमें हमारे पास वापस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब वो जो कंपनीज थी किसी तरह उनको परसू तो कर रही होगी ना, तो फिर उन्हें देखा कि वहां के जो इंडियंस हैं, जी बॉयज ये देख लें, ये सम हाउ स्टोरी आप लोगों के साथ मैच करती है कि इंडियंस जो थे ये स्मोकर थे टोबैको के, ठीक है जी। और टोबैको जो था वहां पे वर्जीनिया के लैंड में बड़ा बेहतरीन उगता है, आपने सिगरेट की डब्बियां भी देखी हो तो उस पर भी लिखा होता है वर्जीनिया का नाम, लेकिन किसी ना किसी ने, किसी का कोई कीन ऑब्जर्वर है वहां पे लिखा होता है, मैंने किसी जमाने में देखा था, अब मुझे याद नहीं, लेकिन लिखा हुआ था गोल्ड लीफ पे स्पेशली। तो वो जी वर्जीनिया की लैंड बड़ी सूटेबल लैंड थी टोबैको की प्लांटेशन के लिए, तो वहां पे उन्होंने कहा कि अच्छा कि ये एक कैश क्रॉप है, इसको हम लोग यहाँ से उगाते हैं और इंग्लैंड जाके बेचते हैं, इससे फायदा होगा। चले जी, उन्होंने यहाँ से जो क्रॉप थी उसको वहां पे बेचना शुरू कर दिया और उससे पैसे कमाने शुरू कर दिए और ये कैश क्रॉप बन गई। और जो एक किंग था, किंग जेम्स जो इंग्लैंड का किंग था, उसने कहा ये फिल्दी हैबिट यूरोप में ट्रांसफर हो गई है, ठीक है अब तो पूरी दुनिया में, लेकिन ये ट्रांसफर यहाँ से हुई। और अब ये जो ट्रेड थी, लोगों ने स्मोकिंग स्टार्ट की, यूटिलाइजेशन उसकी बड़ी, कंजम्पशन बड़ी, तो इस वजह से ज्यादा सेटलर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए इस लैंड की तरफ, ठीक है। फिर अब लंदन कंपनी ने एक सरकार भेजे जिनका नाम था थॉमस डेल, ठीक है। अब ये थॉमस डेल ये भी मिलिट्री मैन थे, बड़े रफ एंड टफ थे, उन्होंने आके लॉज बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, और इनको कहा गया कि आप गवर्न करें, पीछे से एक चार्टर भी लेकर आए, और उन्होंने कहा कि जो हर एक जिस कॉलोनी है वहां पे जो लोगों की छोटी छोटी टाउन्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, आप उनको उन सेटलमेंट्स में से हर दो लोगों को बुलाएं, दो लोग कौन से जिनके पास लैंड है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, उन दो लोगों को बुलाएं और आप जेम्स टाउन के अंदर एक मीटिंग करें, ठीक है। वो 22 मैन जो लोग आए वो चर्च में जमा हुए, ठीक है, और उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। देख आप देख रहे हैं कि किस किस तरह से ना एक एवोल्यूशन आ रहा है, कि कहीं पे वो बिल्कुल इंडियंस जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता वो बिल्कुल ही रफ एंड टफ, उसके बाद किस तरह से दूसरी कौमें आ रही है और वो दूसरी कौमें आके किस तरह से इवॉल्व कर रही है, उसमें जो इंग्लिश है ना इनकी एवोल्यूशन अक्सर क्वेश्चंस में आप पूछ देख सकते हैं, ये बड़ी पूछी गई है कि उनकी 13 कॉलोनीज 13 सेटलमेंट्स के बारे में बड़ी बात की है। अभी देखें कि आहिस्ता आहिस्ता किधर वो स्पेनिश के साथ मुकाबला कर रहे थे, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर फाइनली वो इंटरेस्टेड हुए, उनको उनको अगर वो सोना नहीं मिला तो उन्होंने दूसरा अल्टरनेटिव निकाल लिया, उन्होंने एक टोबैको को यूज करना शुरू कर दिया, टोबैको जब मिलना शुरू हो गया वहां पर उनके पास पैसे आने शुरू हो गए, उन्होंने कहा जी हम इधर परमानेंट सेटलमेंट बनाते हैं। अब परमानेंट सेटलमेंट्स बनानी थी तो वहां पर लोगों को उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने शुरू कर दिए, कि देखिए एक कल्चर की, एक जगह की किस तरह से एवोल्यूशन हो रही है, वहां पर रेवोल्यूशन कैसे आ रहे हैं, वो जगह बन कैसे रही है, ये आप इस चीज से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर इफ यू आर अ कीन ऑब्जर्वर, इफ यू आर अ क्रिटिकल एनालिटिक, तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। कि देखिए जी फिर उन्होंने एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज्ड, अगर ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन आ जाए तो ये सीक्वेंस हमें जरूरी है रखना, जिस तरह से ये आ रहे हैं सारे, तो सीक्वेंस जरूरी है इसमें क्या? इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ना कि बच्चे आपके जहन में बैठे, ये इसी सीक्वेंस से आना है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक होता है, अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं कि यूके के लोग, यूके के सेटलमेंट्स के बारे में लिख रहे हैं तो यूके की सेटलमेंट्स के बारे में आएंगे, लेकिन अगर आप सारी वो एक एवोल्यूशन की वहां पे ये लैंड आबाद कैसे हुई, वहां पे तो नॉर्थ एंड साउथ ये जो अमेरिका है उसमें वहां पे पूरी एवोल्यूशन कैसी हुई, वहां पे लोगों का आना जाना कैसे हुआ, तो फिर आप इस सारी कहानी समराइज करके लिखें किसी तरह से, ये बाप की ट्रिक है,
या आपकी प्रैक्टिस है कि आप किस तरह से वो इतनी बड़ी चीज को एक छोटे से वो के 40 मिनट के अंदर लिख सकें, इट इज ऑल योर प्रैक्टिस एंड क्या कह सकते हैं स्ट्रेटजी। मैम एक चीज और कि इसमें ये सारे नाम जो हैं ये इसी तरह से हमें याद करने पड़ेंगे और कोई ट्रिक इन नाम को याद करने की? जितने याद हो सकते हैं करें, मतलब मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, जितनी दफा मैं बोल रही हूँ आपको याद हो जाने चाहिए। ओके मैम थैंक यू। ठीक है चले जी, अब आगे वो जो 22 जो कॉलोनीज थी उससे 22 मैन जो थे वो मिल गए, आपस में मिलके बैठे, उन्होंने लॉस सुनाए गैम्बलिंग के अगेंस्ट, जे देखें जी आइडलनेस के अगेंस्ट। सबसे बड़े मजे की बात मुझे ये लगी थी आइडलनेस, कि कोई बंदा निकम्मा नहीं बैठेगा, और सबात ब्रेकिंग, जिस तरह हमारा एक हॉलीडे है फ्राइडे, इनका हॉलीडे होता है क्रिश्चियनिटी में कौन सा जी, संडे। ठीक है, तो संडे को उन्होंने कहा था कि उस दिन कोई काम नहीं करेगा, सारे चर्च जाएंगे, जाके इबादत करेंगे, व्हाट्सएवर जो रिचुअल्स है वो परफॉर्म करेंगे, और 20 मैन जो था ये इनकी जो कॉन्ग्रीगेशन थी, इनकी एग्रीगेशन इसको कहते हैं हाउस ऑफ बर्गेसेस। ठीक है जी, फिर क्या हुआ क्या आहिस्ता आहिस्ता अब रूल्स बन गए, रेगुलेशन बन गए, वहां पे पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, किसी तरह से कैश क्रॉप्स है वहां पे डेवलप हो रही है, एक ट्रेड शुरू हो गया, तो एक वहां पे सेटलर्स का इंक्रीज हो गए। अब सेटलर्स इंक्रीज हो गए तो ओपेक साहब जो के पुराने यहाँ के नेटिव थे वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सका कि हमारी जगह पे बाहर के लोग आने शुरू हो गए, तो उसने उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी, ओपनड वॉर। ठीक है, और इसमें बड़ी मजेदार आप जब बुक पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी उनकी देखेंगे कि कहा वो जो थे चुप करके इंडियन टेरिटरीज में, वो इंग्लिश टेरिटरीज में जाते हैं बड़ी खामोशी से, बड़े फ्रेंडली बिहेवियर के साथ, और जब फ्रेंड उनके अंदर मूव करते हैं, और जब ऐसे कि हम आपके दोस्त हैं, और बाद में उनको मार देते हैं, उनको स्लॉटर करते हैं इंग्लिश सेटलर जो है। ठीक है, फिर उसका रिएक्शन इंग्लिश देते हैं, उनको भी मारते हैं, मैसिव स्लॉटर है, और उनको वेस्ट की तरफ धकेल देते हैं, मजीद वेस्ट की तरफ धकेल देते हैं, और तकरीबन वो मर ही जाते हैं सारे, और जो है वहां पे उन्होंने फिर इस मैसिव स्लॉटर को देखते हुए जो जेम्स है किंग जो है इंग्लैंड का, उसने कहा ये लंदन कंपनी के अंदर अब सेटलमेंट नहीं रहेगी, मर्चेंट्स की सेटलमेंट है, इसको मैं डायरेक्ट खुद डील करूंगा, और इसको फिर रॉयल कॉलोनी बना दिया जाता है इन 1624, और ओपेक साहब को क्या किया जाता है, कैप्चर कर दिया जाता है और मर्डर कर दिया जाता है, और इसके बारे में लिखा हुआ है बुक के अंदर कि वो अपना उसकी मेंटल फैकल्टीज जो है, एक आसान जुबान में मैं बात करूँ कि उसका दिमागी तौर पे वो हिल चुका है, वो नॉर्मल इंसान ही रहा, तो उसके दौरान इसको कैप्चर किया जाता है और उसको मर्डर कर दिया जाता है, वो अबव 100 हो चुका होता है उसकी एज। फिर इसके अलावा हाउस ऑफ बर्गेसेस की मीटिंग जारी है, वो मिल रहे हैं, वो लॉज बना रहे हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने वहां की सेटलमेंट्स के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये थी, ये पीछे जो मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है ये किसके लिए थी, ट्रेड के लिए, वहां के रिचेस के लिए, कि लोग जो है वहां पे क्यों आ रहे हैं कि वहां पे सोना है, वहां पे चांदी है, और इस वजह से वो बार बार इधर आ रहे थे, लेकिन फिर बाद में वो टोबैको के लिए आने शुरू हो गए जो कैश क्रॉप बनी। ठीक है, ये एक एक थी, ये था ट्रेड पर्पस। ठीक है, अब एक दूसरी स्टोरी भी है, अब जरूर सारे लोग बेचारे इस वजह से नहीं थे आए, कुछ और भी रीजन, कुछ लोग रिलीजियस पर्पस के लिए आए थे। अब आप इधर से पीछे जाएं, वो 95 थीसिस पे, वो चर्च के जो दरवाजे पे लटका दिए गए थे, उधर जाएं, उधर उसने वहां पे जो थे, जाहिर है उसने नो सिंगल सेट ऑफ बिलीव की बात की, और यहाँ से आगे एक कुछ दूसरी जगहों पे भी क्रिश्चियनिटी में भी प्रॉब्लम्स डेवलप होने शुरू हो गई कि यार ये क्या बातें हो रही हैं कि आपके बिलीव्स पे आके, आपके रिलीजियस वैल्यूज पे आके जब बात हो रही है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो गई। और वो मोनार्क जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक चर्च बना दिया जिसका नाम था एंजेलिक चर्च, और ये जो था रोमन कैथोलिक चर्च के बिल्कुल अपोजिट था, ऑल्सो कि इसमें कुछ रूल्स एंड रिचुअल्स रोमन कैथोलिक चर्च के थे, लेकिन उसके प्योरली ये रोमन कैथोलिक चर्च का नहीं था।
तो इसमें जो था प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो बड़े एक फिरका बना और वो बड़े परेशान थे कि नहीं इसमें जो है इंग्लैंड में ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए, ये अगेंस्ट जा रहे हैं हमारी रिलीजियस वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो उन्होंने इनसिक्योरिटी फील की, अपने आप को उन्होंने प्योरिटन्स कहा था, ठीक है, अपने आप को ये जो नया फिरका बना जिसको हम बार बार प्रोटेस्टेंट्स कह रहे हैं, ये फर्स्टली प्योरिटन्स थे कि हम प्योर लोग हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, देवर रेडिकल, वो अपने मामलात में बड़े जिसको हम कट्टर नहीं कहते वो थे, और वहां से वो सेपरेट हो गए, ठीक है, ये इनकी स्टोरी थी। अच्छा इसमें एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट है जिसमें प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और प्रोसिक्यूशन मैंने लिखी है कि ये था कि उस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर एक मसला ये भी था कि वहां पे सेक्टेरियनिज्म बहुत ज्यादा थी उधर उस जमानों में, उधर रिलीजियस वॉर बहुत ज्यादा थी, और जो थे कि जो भी रिलीजन वो अपोजिंग कोई भी बात करता था उसको मार देते थे। ये उस दौरान बड़ी जंग लग रही है, आज ये बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग बन के बैठ गए हैं, तो देख लें जी इनकी हिस्ट्री खोल के देखें, उधर भी ये सारे मसाइल थे, लेकिन मजे की बात ये उन्होंने ओवरकम कर ली, हम लोग यहाँ पे अभी तक ओवरकम नहीं कर सके। खैर तब उसी दौरान एंजेलिक चर्च बन जाता है, एंजेलिक चर्च के दौरान ये प्रोटेस्टेंट्स जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं और ये यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। फिर एक और रिलीजियस ग्रुप है वो किधर जाता है, वो हॉलैंड जाता है, ठीक है। उसने कहा कि जी हम हॉलैंड में जाके अपनी सही दुनिया बसाते हैं, वहां पे जाके रहते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, ठीक है। फिर उन्होंने वहां से फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लंदन कंपनी जो पीछे एक मर्चेंट की कंपनी थी जो सेटलमेंट्स बनाती थी नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, उस कंपनी से उन्होंने परमिशन ली, ठीक है, और वो एक शिप के अंदर सवार हो गए। ये नाम याद रखिएगा, आई एम अगेन सेइंग, ये नाम याद रखिएगा शिप का, मे फ्लावर शिप, इसके अंदर वो सवार हुए और वो किधर चले गए, न्यू वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वो भी इधर पहुंच गए। और उन्होंने कहा था कि हम वर्जीनिया जाएंगे, वो अपने इस चक्कर में आए थे, लेकिन मजेदार बात ये कि वो वर्जीनिया की बजाय वो किधर पहुंच गए, एक न्यू जगह पे पहुंचे जिसका नाम प्लायमाउथ रखा गया, ठीक है, और उधर जाकर उन्होंने अपनी एक न्यू सेटलमेंट बनाई। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? आई गॉट अ क्वेश्चन मैम, ऑल दिस डेटा इज फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ यूएसए? जी जनाब, ये हिस्ट्री ऑफ यू, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अच्छा एक बुक है माजुमदार, उस वो बुक जरा आसान लिखी हुई है, लेकिन मैं उसको इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने भी उससे आपको पढ़ाया है नहीं, मैंने जो बुक पढ़ी है मैंने उसी से पढ़ाया है, और आपका एक माइंड सेटअप इसी बुक से बन रहा है, तो काइंडली कोशिश करें इसी बुक को पढ़ने की। मैंने ये शुरू के चैप्टर बड़े आराम से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपका एक पूरा मेरे साथ फ्लो में आ जाए, ठीक है। आगे हम थोड़ी सारी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि वो एक करंट अफेयर्स की चीजें हैं, लेकिन अभी ये बैकग्राउंड जो है वो प्लीज आप जरा समझ के अच्छी तरह से पढ़ें। जी जनाब, कुछ कहना चाह रहे हैं कोई? मैम आपकी रिकमेंडेशन चाहूंगा इसके ऊपर। यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, यूएस हिस्ट्री क्रैश कोर्स, टीचर का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो वो भी ना एनिमेटेड फॉर्म में काफी सारी चीजें बता रही होती हैं, और जिस तरह आपने डेटा बताया बड़े अच्छे तरीके से बताया, तो वो भी इसी तरह ना काफी हद तक किसी से मिलती जुलती चीजें होती हैं, तो उससे हेल्प लेनी चाहिए। वुड यू रेकमेंड दैट? मेरा मानना खुदा एक ही होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। ओके अच्छा जी, एक और सवाल आया है मैम, बुक मैम ने बुक शेयर कर दी हुई है? जी जनाब, मैंने बुक शेयर कर दी हुई है। ओके बस जी, चलो मैं आ गया। ये मुझे इधर रोकने का मकसद ये था कि काइंड ऑफ थोड़ा सारी आपको एक रिलैक्सेशन देनी थी, इसलिए क्योंकि जो अब मैं आ गया, किसी का माइक खुला है। अच्छा जी, मुझे आपको रोकना इसलिए था इधर कि यहाँ से थोड़ा सा आपके एक सीक्वेंस ब्रेक करना था ताकि आपको मैं एक नई चीज के लिए तैयार कर सकूं। आगे हम एक पढ़ने जा रहे हैं मेफेयर,
कॉम्पैक्ट आएगा, उसके बारे में आपको पूरा क्वेश्चन भी कभी आ सकता है, उस पर एनालिसिस आ सकता है. तो लिहाजा एक सीक्वेंस अगर ब्रेक होता है, माइंड दोबारा से फ्रेश होता तो आप उसको समझ सकते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ कि दूसरे रिलीजियस ग्रुप जो था, जो भी बड़ा आवाजार हुआ हुआ था इंग्लैंड में, इंग्लैंड के हालातों वाकियात से जो वहाँ पे चल रहे थे, उनके रिलीजियस, उनको फ्रीडम नहीं था मिल रहा, तो वो चले गए प्लायमाउथ पे, जाके उन्होंने कंपनी बना, वो अपनी एक सेटलमेंट बना ली, और वहां पे उन्होंने एक शिप से गए जिसका नाम था मेफ्लावर शिप. ठीक है जी, उस वहां पे शिप से उतरने पहले, उससे उतरने से पहले उन्होंने जी अपने आप से एक वादा किया, आपस में वादा किया. वो वादा क्या है कि हमारे जो एलिजियंस है, हमारी लॉयल्टी जो होगी, जो ड्रेड सॉवरन है, जो कि अल्टीमेट सॉवरन है, किंग के साथ रहेगी. ठीक है, उन्होंने एक ट्रीटी की, कोवेनेंट ट्रीटी को कहते हैं, कि वो हम लोग एक आपस में कंबाइन करके एक सिविल बॉडी पॉलिटिक बनाएंगे, जो आपकी कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, आप टाइप ऑफ ये उस टाइप की एक चीज बनाएंगे, जो कि क्या करेगी, जो कि लॉज बनाए, जो आपस में मिलके बैठेगी, और कुछ ऐसे तरीके बनाएंगे जिससे कॉलोनी को अच्छा चलाया जा सकेगा. ठीक है, उन्होंने तीन वादे किए थे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. पहले किंग के साथ वो लॉयल रहेंगे, उसके साथ कोई भी डिसलॉयलिटी शो नहीं करेंगे. फिर उन्होंने आपस में ट्रीटी की कि कुछ इस तरह से आपस में कंबाइन करेंगे कि वो सिविल बॉडी पॉलिटिक बनाएंगे. जनाब, मेरे पॉलिटिक्स के स्पेलिंग की गलती मत निकालिएगा, ये ऐसे ही है. ठीक है, इसके अलावा उन्होंने फर्दर प्रॉमिस किया कि हम जो है आपस में जब मिलके बैठेंगे, जो लॉज बनाएंगे, वो कॉलोनी के भलाई के लिए होंगे, उसमें कोई भी इशू ऐसा नहीं होगा कि हम कॉलोनी के डिस्कस ना करें, उसके उनकी वेलफेयर के अकॉर्डिंगली काम ना करें. ठीक है जी, फिर इसके अलावा अब मैं इस पूरे कॉम्पैक्ट को कहते हैं मेफ्लावर कॉम्पैक्ट. क्यों? क्योंकि ये उस शिप पे लिया गया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेफ्लावर कॉम्पैक्ट. अच्छा, अब मेफ्लावर कॉम्पैक्ट का एनालिसिस अगर हम करें कि देखें, अब लोग वहां पे आने शुरू हो गए हैं, सेटलमेंट्स बनने शुरू हो गए हैं, अब लोग रेवोल्यूशन पे आ रहे हैं, एवोल्यूशन पे आ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, एडवांसमेंट लेवल पे आ रहे हैं, कि क्या वो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं? उनको पता है कि भाई के सब लोगों को एक जगह पे कंबाइन करना है, मिल के चलेंगे तो कुछ होगा, और मिल के चलने में ये क्या करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा. तो देखें, उनका ये एग्रीमेंट हुआ मेफ्लावर कॉम्पैक्ट, क्या इट इज एन एग्रीमेंट. ठीक है, जिसमें लोग जो हैं उसके बाद जो हैं कि कमिटेड हो गए एक पेपर से. ठीक है, कि उन्होंने एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट की वैल्यू डेवलप होगी है यहाँ पे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि देखिए, इसमें एक डॉक्यूमेंट की वैल्यू आ गई है, एक एग्रीमेंट की, कि हाँ इट मैटर्स, इट हैज सम वैलिडिटी, इसका कोई एक कानूनी हैसियत है. अब वो उन्होंने फिर अपनी गवर्नमेंट की पोजीशन बताई कि कुछ लोग हैं जो सिविल बॉडी पॉलिटिक बनाएंगे, जिसका, और सारे उन्होंने मींस डिस्कस किए कि क्या है, कि किस तरह से वो क्या करेंगे कि जिससे वो सोसाइटी बना सकेंगे, सोसाइटी के वेलफेयर पे काम कर सकेंगे. ये इसका एनालिसिस है कि मेफ्लावर कॉम्पैक्ट क्या था, कि वो पहले तो उन्होंने तीन एलिजेंस दिए हैं, और इन एलिजेंस के क्या रिजल्ट्स निकल गए हैं, कि आप देखें कि वो एक एग्रीमेंट पे आ गए, लोग वहां पे वो कमिट कर गए हैं पेपर के साथ, उन्होंने गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी, और गवर्नमेंट के लिए उन्होंने सारे रिसोर्सेज, सारे चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी है, जिससे वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सके, लोगों के लिए एक सोसाइटी बना सके. ये एक न्यू कस्टम बन गई थी इन इलाकों में, एक नई तब्दीली आ गई थी. ठीक है जी, एक कस्टम बन गई. ठीक है, फिर इसके अलावा अब देखें, यहाँ से अब जो पिलग्रिम्स थे, जो वहां से जो मजहबी लोग उस शिप के थ्रू आए थे पिलग्रिम्स, वो इंडियंस के साथ मिले, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया पीस का भी. ये देखें, ये एक नई चीज है. पहले आप देख रहे थे कि जो लोग पिछले लोग आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ जंग कर रहे थे, एक दूसरे को ओवर पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उसके साथ पीस एग्रीमेंट पे आ रहे हैं. ठीक है, फिर इसके बदले में क्या होता है, जब आपको पता है पीस होता है गिव एंड टेक होता है, और वो उसके रिटर्न में क्या हो रहा है, इंडियंस आल्सो हेल्प, इंडियंस ने भी उनकी हेल्प की. ठीक है, फिर उसके अलावा
अब पीछे इंग्लैंड में हुकूमत बदल गई है, जेम्स के बाद किंग चार्ल्स आ गया, ठीक है। उसने प्योरिटन्स को कहा कि आप अपनी एक नई कंपनी बनाए जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी मैसाचुसेट्स, जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी और उस कंपनी का नाम है मैसाचुसेट्स बे कंपनी। नेक्स्ट क्लास में आपके सबसे इसका स्पेलिंग सुन रहे हैं, ठीक है जी? ओके, मैसाचुसेट्स, तो इसके सबसे स्पेलिंग सुनूंगी, रटे अच्छे मार के। मिसिसिपी इसके, और वो जो ओपेक है उसके भी सुनूंगी। और अच्छा जी, इसने ये इसने कहा कि आप ये कंपनी बनाए, और ये कंपनी जो थी नॉर्थ ऑफ वर्जीनिया में बनाई, जो इस कंपनी ने कॉलोनीज जो बनाई थी वो नॉर्थ ऑफ वर्जीनिया जहाँ पे पहली सेटलमेंट थी जेम्स टाउन जो बनाई गई थी उसके नॉर्थ में ये बनाई गई थी, इन्होंने सेटलमेंट्स बनाई थी। और इन सेटलमेंट्स को कहा जाता है न्यू इंग्लैंड, और इसमें 6 स्टेट्स आबाद ही हैं। आपने इन 6 स्टेट्स के नाम याद कर देते हैं, जिसमें आ जाते हैं कनेक्टिकट, मेन, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोडी आइलैंड एंड वर्मोंट। ये 6 हैं इसमें स्टेट्स, ठीक है जी? एवरीथिंग इज ओके नाउ? नाउ एक मिनट अजान हो जाए। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि मैसाचुसेट्स बे कंपनी बन रही है, उसने कॉलोनी बनानी शुरू कर दी नॉर्थ ऑफ वर्जीनिया में, जिसको न्यू इंग्लैंड कहा जाता है, ठीक है जी। अब एक साहब आ गए हैं, इनका नाम याद रखने हैं, जॉन विंथ्रॉप, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे प्योरिटन्स थे, वो अभी भी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, वो बड़े परेशान थे कि वहाँ पे मॉरल वैल्यूज, वहाँ पे एथिकल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज बड़ी अपसेट किस्म की थी, ठीक है। तो वो फिर अपनी फैमिली और दूसरे प्योरिटन्स के साथ वो था इन इलाकों की तरफ माइग्रेट कर गया, और उधर कहा जाता है ये ग्रेट माइग्रेशन, इसको इसका नाम दिया गया कि एक बहुत बड़ी माइग्रेशन थी, ठीक है। और इसके उसने जब यहाँ पे माइग्रेशन की और लोग उसके साथ है, उसने लोगों को ये कह के तसल्ली दी कि अगर वो अपने आप को जोड़ के रखेंगे एज वन मैन, कि एक यूनिट की तरह, एक कबीले, किसी भी कम्युनिटी की तरह, एज वन मैन, जरा एक इंसान तो नहीं ना बन सकते,
किसी भी एक कम्युनिटी की तरह, यूनिट की तरह, तो गार्ड जो है वो उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, हर तरह से, ठीक है। और कहा जाता है इसमें जो थे तकरीबन 1000 मैन वुमेन आए थे और 17 फ्लीट इसमें वहां से आए थे इंग्लैंड से इधर इसके साथ जो ग्रेट माइग्रेशन में थे, और इन्होंने आके बूस्टन में सेटलमेंट अपनी की थी, ठीक है जी। और इसके अलावा इसका ये भी मानना था कि अगर हम अपनी सोसाइटी को, अपने कबीले को बिल्कुल बाइबल के टीचिंग्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे तब भी गॉड जो होगा हमारे प्रोटेक्शन मिले हमारे देगा और हमारी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। उसने एक जो फैमिली थी उसने चर्च स्टेट को कहा था कि एक फैमिली की तरह है, इसमें कोई अलग नहीं है, चर्च और जो दोनों गवर्नमेंट है ये एक फैमिली है, इसमें कोई इनकी दो अलग डाइकोटोमीज नहीं है, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ विंथ्रोप, दूसरे प्योरिटन्स के साथ तकरीबन 1000 लोग थे, 17 शिप्स के साथ। ये आप जब बुक पढ़ेंगे, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने जानबूझ के मिस की है ताकि आप लोग बुक पढ़ें, ठीक है, कि दूसरे प्योरिटन्स के साथ जो कि वहाँ पे बड़े परेशान थे उनके साथ आया इधर बोस्टन में, उसने आके अपनी सेटलमेंट बनाई और उसने कहा था कि हम सारे यूनिटी यूनिट बना के रहेंगे, अगर हम यूनिट में रहेंगे तो और अपनी सोसाइटी को टीचिंग ऑफ बाइबल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हमारा जो गॉड है हमें प्रोटेक्ट करेगा और हमारी प्रॉस्पेरिटी यकीनन होगी, ठीक है। और इसके अलावा जिसके साथ मजे की बात ये, उसने चर्च और स्टेट को अलग अलग नहीं कहा था, उसने कहा था ये तकरीबन एक ही है और ये एक यूनिट है, ये भी एक फैमिली की तरह, एक यूनिट की तरह। और जिसके साथ जो सेटलर्स आए थे वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, उनके पास मनी थी और वो ट्रेड और कॉमर्स में इन्वॉल्व थे, उनका लिविंग का जो तरीका था वो ट्रेड और कॉमर्स था, ठीक है, वो कोई लेबर टाइप लोग नहीं थे, ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वहाँ पे उन्होंने इस तरह से मजीद तरक्की करना शुरू की तो इस सेटलमेंट की पॉपुलेशन बढ़ गई 20,000 तक, ठीक है। फिर मैसाचुसेट्स बे कंपनी जो थी उसने कोशिश की कि हम अब यूरोप से पूरे पूरे अमेरिका की तरफ ही वापस रिलोकेट हो जाएं और हम एक चार्टर के साथ, चार्टर यानी कि गवर्नमेंट के से एक परमिशन लेके हम लोग इधर ही आ जाए और फिर बाद में हमें इस किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना रहे कि हम किसी गवर्नमेंट या ग्रुप से कंसल्टेंसी कर सकें कि हम बार बार जाके पूछें कि अच्छा जी अब हमें ला दें, अब हम ये करें, अब क्या करना है, हम आपको कितना टैक्स दें वगैरह वगैरह जो भी उनके मामला थे। उन्होंने उनसे सारी ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए और इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। अब इधर ये जरा एक चीज देख लें कि अब हमने पीछे बात की कि हाउस ऑफ बर्गेसेस की बात की, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की, मे फ्लावर कॉम्पैक्ट की बात की कि वो लोग किस तरह से एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब इधर आगे देखें कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने एक कॉलोनी है जो अपनी बनाई थी, वो एक गवर्नर तो गवर्न कर रहा है, उसके बाद उसके साथ 18 असिस्टेंट थे जो कि फ्री मैन उनको इलेक्ट करते थे, ठीक है, और उसकी एक क्या बनाती थी, एक जनरल कोर्ट बनती थी, गवर्नर और उसके 18 असिस्टेंट ये क्या बना रहे हैं, एक जनरल कोर्ट बना रहे हैं। बाद में ये जनरल कोर्ट पे क्रिटिसिज्म आया कि इसमें तो सिर्फ कुछ ही लोग हैं, ये सारों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसमें गिने चुने लोग आ रहे हैं, तो इसका मसला कैसे, ये तो एक बाइसनेस इसमें आ गई, ये इम्पार्शियल नहीं है। तो फिर इस क्रिटिसिज्म को सॉल्व कैसे किया गया कि हर एक जो टाउन था सेटलमेंट के साथ उसमें से डिप्टीज को इलेक्ट किया गया और उसको असिस्टेंट्स के साथ बिठाया गया। अब ये सिलसिला चलता चला गया और 10 सालों के बाद 2 हाउसेस बन गए, बाय कैमरल लेजिस्लेचर का वजूद आता है जिसमें क्या आप लोग जाग रहे हैं, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, बताएं जी, हरी अप, एक्सन आप बोलिए, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली प्लस सेनेट जो मौजूदा दौर में पाकिस्तान का है। हाँ जी मौजूदा है, हाँ जी, के दो टू हाउसेस, सिंपल वर्ड्स में आपके टू हाउसेस, आपके जो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी है उसके टू हाउसेस बन गए, ठीक है जी।
और इसमें अब तो जैसे इन्होंने बात की है कि एक पार्लियामेंट आ रही है और दूसरी सेनेट आ रही है पाकिस्तान में, तो इसी तरह सिंपली आप ये रखिए टू हाउसेज अपर एंड लोअर, टू हाउसेज बन गए और फिर इस जो जनरल कोर्ट है इसने लॉज बनाए मैसाचुसेट्स के लिए, ठीक है इधर तक सब क्लियर है कि अब ये मैसाचुसेट्स जो है वो एक बड़ी जबरदस्ती कॉलोनी बन गई है। अब एक जाहिर है जिधर इतना सारा कुछ हो रहा होता है उधर आप परेशान करने वाले लोग भी होते हैं, हुकूमत से इख्तलाफात करने वाले लोग भी होते हैं। आई एम सॉरी टू से किसी बात मुझे पॉलिटिकल तो करनी नहीं चाहिए, कुछ मौलाना फजल रहमान टाइप लोग भी होते हैं जो हुकूमत से नाराज होकर बैठे होते हैं, तो समझ लें कि जी एक उसी तरह की एक सरकार नजर आ गई है जिनका नाम है रॉजर विलियम, वो नाराज हो गए हैं इस गवर्नमेंट से, वो कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इसने चर्च और स्टेट को इकट्ठा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, चर्च अलग चीज है स्टेट अलग चीज है और क्लर्जीज का एक अपना मुकाम है, उनको बीच में नहीं आना चाहिए गवर्नमेंट किसी के किसी मामले में। उसने प्रीचिंग करने शुरू कर दी हेयर से, हेयर से मीन्स कुछ ऐसे रूल्स और ऑब्लिगेशन होती है रिलीजियस जो के दूसरे एक रिलीजियस ग्रुप को पसंद होती है और दूसरे रिलीजियस ग्रुप के समझ लें उनके बिलीव्स के अगेंस्ट जा रही होती है, वो उसको ना पसंद कर रहे होते हैं, तो उसने कुछ इस तरह की प्रीचिंग करने शुरू कर दी, ठीक है। और जो मैसाचुसेट्स वाले थे वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा यार ये बंदा क्या कर रहा है, उन्होंने इसको वापस इंग्लैंड भेजने की भी कोशिश की कि भाई तुम जाओ भाई जान छोड़ दो, तुम यहाँ पे इंतजार फैला रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ तुम वापस इंग्लैंड चले जाओ, लेकिन ये बंदा वहां से भी बच के निकल आया किसी भी तरह से, वहां से भी बच के निकल आता है और ये अपने फॉलोअर्स को लेके एक अलग से कॉलोनी बना लेता है, ठीक है जी एक अलग से कॉलोनी बना लेते हैं और रोडी आइलैंड रोड आइलैंड व्हाट एवर यू वांट टू से उधर जाके ये बस जाता है, उधर अपनी लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है और कहता है कि कंसाइंस पे अपने बिलीव करें, ये गॉड ने आपको गिफ्ट किया है, ये आपको अच्छे बुरे की तमीज सिखाता है, ठीक है। और ये इंडिविजुअलिज्म पे बड़ा बिलीव कर रहा होता है कि इसने कोई कोशिश नहीं करता कि किसी किसी का माइक ओपन है प्लीज बंद कर दे, वो ये कोई कोशिश नहीं करता कि मैं वहाँ के लोगों को इस्लाम सिखाना शुरू करूँ, जैसे आजकल पाकिस्तानी इस तरह बिल जिस उसका नाम है उसको सारे इस्लाम सिखा रहे हैं इसमें देखे, लेकिन रॉजर विलियम ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की उसको अपना मदद वहाँ के इंडियंस को सिखाने की, ठीक है उन्होंने उनकी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट किया, उनके साथ पीस एग्रीमेंट्स किए, उनके साथ रहना शुरू कर दिया, ठीक है। और बाद में जब इसकी कॉलोनी थ्राइव करना शुरू कर दी तो फिर इसको इंग्लैंड के किंग की तरफ से चार्टर मिला लॉज का रूल्स का रेगुलेशन का कि तुम अपनी कॉलोनी को कैसे बनाओ वहाँ के, तुम हम तुम्हें वहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे सर किस तरह से सपोर्ट करेंगे, तो उसको एक चार्टर मिल गया इस कॉलोनी को 1644 में। अब देखिए हमारे पास तकरीबन चार कॉलोनीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, एक जेम्स टाउन की है, एक प्लायमाउथ की है, एक मैसाचुसेट्स की, एक रोडी आइलैंड, या चार कॉलोनीज यही है हमने डिस्कस कर ली है ना, कोई बता सकता है? जी मैम हो गए, कोई और भी है क्लास में, मुझे एक ही बंदे की आवाज आती है। यस मैम अटेंडेंस लेना शुरू कर सकते हैं मैम, जी मैम सही है जी। तो मेरा अब ना मेरे एक्चुअली नाम मुझे कोई सामने लिस्ट नहीं है वरना मैं नाम लेके बोलूंगी ये बंदा बात करे। खैर अच्छा जी, अब एक तो थे रॉजर विलियम, दूसरे आ गए हैं एनी, अब अगला नाम आप जो मर्जी पढ़ लें एनी, ठीक है जी। ये दूसरी है मोहतरमा, ये भी हुकूमत के खिलाफ बातें करती हैं, उनके खिलाफ नारे लगाती हैं, वो भी खिलाफ है कि क्लर्जी मैन जो पादरी हैं वो किसी भी सूरत में गवर्नमेंट में नहीं आने चाहिए, ठीक है। और वो कोविनेंट ऑफ ग्रेस को बड़ा उस पर बिलीव करती है, कोविनेंट ऑफ ग्रेस क्या है कि वो इस बात पे उसका बड़ा यकीन है कि हमारी जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो गॉड के साथ है तो हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए। फिर उसने इस बात से वो अपने घर में बड़ी इस किस्म की मीटिंग्स अरेंज करती है,
तो अब जाहिर है इस किस्म के जो नॉन स्टेट एलिमेंट है, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये इंटरनेशनल रिलेशंस वाले इस मेरी इस टर्म को जरूर समझ रहे होंगे, जो नॉन स्टेट एक्टर्स इस तरह के निकल आते हैं जो कि हुकूमत के खिलाफ जा रहे होते हैं, तो वो जो है उसको वो हुकूमतें निकालने की कोशिश करती हैं, ठीक है? तो वो अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने बड़े फॉलोअर्स अट्रैक्ट कर लेती है और उसके फॉलोअर्स को एंटीमोनियम गवर्नमेंट उनको खताब देती है कि जी ये एंटीमोनियम है, इनको निकाल देना चाहिए, और वो 1637 में उनको निकाल दिया जाता है, और वो फिर जाके दोबारा किसके साथ पार्टी बना देती है, रॉजर विलियम्स के साथ, ठीक है जी? रॉजर के जब वहां पर जाके उसने रहना शुरू कर देती है, यकीनन उसने इंडियंस को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, या उनके साथ उसके कोई मामला खराब हो गए होंगे, इंडियंस को वो पसंद नहीं आई होगी, कुछ हुआ होगा, इसकी डिटेल बुक के अंदर नहीं दी गई और मुझे भी कहीं पे नहीं मिली, अगर आपको मिले तो डू लेट मी नो। और कहा जाता है कि उसको और उसकी फैमिली ने को इंडियंस ने मार दिया था, ठीक है जी? यहाँ तक एक दो डिसेंटर्स की बात हमने कर ली, अब एक तीसरे डिसेंटर भी हैं जिनका नाम है थॉमस हुकर। ये बड़ा पॉपुलर टाइप बंदा है भाई, उस मैसेचुसेट्स कॉलोनी में ना बड़ा एक पॉपुलर है, और इसके भाई जितना बंदा पॉपुलर हो, जितना बंदा कामयाब हो, तो आपको पता होना चाहिए सक्सेसफुल लोगों के साथ हेट भी इन्वॉल्व होती है, उनके हेटर्स भी बड़े हो जाते। तो जनाब एक सीनियर मिनिस्टर थे जिनका नाम था जॉन कॉटन, आप कॉटन से याद रख लें, इजी रहेगा अगर आपको नाम नहीं याद है। वो अपने वो उसके बहुत खिलाफ था, उसके खिलाफ लॉबी कर रहा था, तो जॉन कॉटन जरा सियाना बंदा था, उसने कहा कि भाई अगर ये गवर्नमेंट मुझे निकालेगी और ये मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का बंदा है, तो इससे बेहतर है कि मैं खुद ही चला जाऊं। और उसने जाके कनेक्टिकट रिवर के पास वुड्स में और विल्डरनेस वीराने में जाके अपने फॉलोअर्स को जाके बसा दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मैं अपना लेक्चर आज इधर ही खत्म करती हूँ, ठीक है? क्योंकि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर अब आप अब्जॉर्ब कर लें तो इट्स अप टू यू। ऑल दो के मुझे जो एकेडमी की तरफ से कहा गया जरा ज्यादा पढ़ाएं, लेकिन मैं थोड़ी सी स्पीड आहिस्ता से चल रही हूँ, बाद में थोड़ी सी ज्यादा करूंगी, इसलिए कि ताकि आप यूज टू हो जाएं इस हिस्ट्री के साथ, ठीक है जी? दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही है, इतना जेन में मैं अगर ये देख लें कि हमने दो तरह के इसमें चीजें पढ़ ली हैं, इंग्लिश कॉलोनी में स्पेशली कि वो किस पर्पस के लिए आए थे, वो ट्रेड के पर्पस के लिए, अपनी वेल्थ के पर्पस के लिए, और दूसरा उनका रिलीजियस पर्पस भी है, एक तीसरा पर्पस भी आएगा वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। और कॉलोनीज देखे, चार कॉलोनीज हम लोगों ने बना लिया, ये आपके कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं, आप इनको जेन में रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, आप बुक की रीडिंग जरूर करें, जरूर करें, वरना आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। मैम, जो लास्ट कॉलोनी में आपने हमने डिस्कस किया कर ली, उससे थोड़ा सा समराइज कर दें, उससे कुछ चीजें स्किप हो गई थी।